العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال ومن كان له نصاب، ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكّاه به.

वो शख्स माल मुस्तफाद को निसाब के साथ मिलाकर पूरे की ज़क़ात अदा करे इमाम शाफ़ी ताला फरमाते हैं कि ना मिलाए इसलिए कि माल मुस्तफ़ाद ममलूक होने में असल है लिहाजा अपने हुक्म में भी असल ही रहेगा बरखिलाफ़ ओलाद और मुनाफ़े के इसलिए के ममलूक होने में औलाद असल के ताबे होते हैं यहाँ तक के असल के ममलूक होने से तवाबे भी ममलूक हो जाते हैं ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن عندها يتعسر التمييز فيتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير हमारी दलील ये है कि मुजानसत ही औलाद और मुनाफे इल्लत है इसलिए कि बवक्ते मुजानसत इम्तियाज़ करना मुश्किल होता है लिहाजा हर माले मुस्तफाद के लिए साल का एतबार करना दुश्वार होगा जबकि आसानी के लिए ही हौलान हौल की शर्त लगाई गई है अज़ीज़ तलब किराम दरमियाने साल में निसाब में इजाफ़ा होने की सूरत में माल मुस्तफ़ाद जो दरमियाने साल हासिल हो रहा है इसमें वजूब ज़क़़त के सिलसिले में क्या हुक्म है इसकी तफसील साहिब किताब ज़िक्र फरमा रहे हैं सूरत मसला ये है कि अगर कोई शख़्स साहिब निसाब हुआ और उसके पास किसी एक चीज़ मसलन बकरियों का निसाब हो फिर दरमिया साल में उसे कुछ और माल हाथ आ गया हो तो उसकी दो सूरतें हैं नंबर एक माल मुस्तफाद, दरमिया साल हासिल होने वाला माल माले निसाब की जिन्स से होगा। पहले से एक निसाब माल का मेरे ज़िम्मे था मेरे पास मौजूद था और दरमियाने साल और कुछ माल मुझको हासिल हुआ ये दरमियाने साल हासिल होने वाला माल पहले से बकरद्र निसाब जो माल था उसकी जिन्स से होगा पहली सूरत दूसरी सूरत माल मुस्तफाद माल निसाब की जिन्स से नहीं होगा दूसरी सूरत अगर दूसरी सूरत हो यानी माल मुफ़ा दरमियाने साल हासिल होने वाला माल बकदर निसाब माल की जिन्स से ना हो मसलन बकरियों के अलावा गाय वग़ैरह उसकी मिल्कियत में आई निसाब बकदरे निसाब बकरियाँ थी और दरमियाने साल हासिल होने वाला माल गाय वग़ैरह उसकी मिलकियत में आई तो इस सूरत में उन पर अलग से निसाब और हौलान हौल की ज़रूरत होगी दरमियाने साल गायें आई तो अब इनका निसाब के बकदर होना भी ज़रूरी होगा और फिर उस पर साल का गुज़रना भी ज़रूरत होगा और बकरियों के साथ उन्हें लाहिक नहीं किया जाएगा बकरियों का निसाब अलग उन पर ज़क़ात वाजिब होगी अलग से गाय का निसाब अलग उन पर अलग से ज़क़ात वाजिब होगी बकरियों के साथ उन्हें लाहिक नहीं किया जाएगा और अगर पहली सूरत हो यानी माल मुस्तफाद माल निसाब की जिन्स से हो दरमिया साल हासिल होने वाला माल पहले से बकदर निसाब जो माल मौजूद है उस माल की जिन्स से हो तो फिर इसमें वजूब ज़कात के हवाले से तफसील ये है वजूब जकवात के हवाले से इस सिलसिले में तफसील है और वह तफसील यह है कि अगर माले मुस्तफाद माल निसाब ही से हासिल हो माले मुस्तफाद माल निसाब ही से हासिल हो मसलन बकरियों ने बच्चे दिए या उनमें से कुछ फरोख्त तो करके दूसरी बकरियां लाई गई या उनके दूध को बेच कर नफ़ा हासिल हुआ तो इन तमाम सूरतों में बिल बिलातफाक़ वो माल मुस्तफ़ाद असल यानी माल साथ माल निसाब के साथ लाहिक किया जाएगा और पूरे माल की ज़क़ात वाजिब होगी अगरचे माल मुस्तफ़ाद पर हौलाना हो हुल ना हुआ हो दोबारा अगर पहली सूरत हो यानी माल मुस्तफाद माल निसाब की जिन्स से हो तो फिर इसमें वजूब ज़क़ात के हवाले से तफसील है और वो ये है तफसील ये है कि अगर माल मुस्तफाद माल निसाब ही से हासिल हो मसला बकरियों ने बच्चे दिए बकरिया बकदर निसाब थी अब दरमियान में हासिल होने माल होने वाला माल उसी की जिनस से है मसल बकरियों ने बच्चे दिए या उनमें से कुछ फ़रोख्त तो करके दूसरी बकरियाँ लाई गई या उनके दूध को बेच कर नफ़ा हासिल हुआ तो इन तमाम सूरतों में बिलफाक़ व माल मुस्तफाद असल माल यानी माल न के साथ लाइक किया जाएगा और पूरे माल की ज़क़़त वाजिब होगी अगरचे माल मुस्तफाद पर हौलान हौल ना हुआ हो जो नफ़ा जो चीज़ें दरमिया साल हासिल हो रही है उस माल की जिनस से उस पर हवलान हौल साल का गुज़रना भी ज़रूरी नहीं होगा लेकिन अगर माल मुस्तफाद के हसूल में असल यानी माल निसाब का कोई अमल दखल ना हो माल मुस्तफाद के हसूल में असल यानी माल निसाब का कोई अमल दखल ना हो इस तौर पर के मालिक को हिबा हदिया गिफ्ट या मीरास और वसीयत में बकरियां मिली हो तो इस सूरत में भी हमारे यहाँ उस माल को माल निसाब के साथ लाइक किया जाएगा और पूरे माल की ज़क़़त वाजिब होगी जबकि इमाम शाफी रहमत के यहाँ इस सूरत में माल मुस्तफ़ाद पर अलग से हौलान हौल शर्त होगा मालिक को हिबा के तौर पर मीरात और वसीयत के तौर पर बकरियाँ मिली हो तो इमाम शाफी रमत लाल की यहाँ माले मुस्तफाद पर अलग से हौलान हौल शर्त होगा साल का गुजरना ज़रूरी होगा और उसे असल के साथ लाख नहीं किया जाएगा लिहाजा उसकी ज़क़ात भी वाजिब नहीं होगी हौलान हौल के बाद में ज़क़़त वाजिब होगी इबारत मजकूरा में मसले की यही सूरत बयान की गई है इमाम शाफिर की दलील ये है कि जो चीज़ ममलूक होने में असल होती है वक्म में भी असल होती है और किसी के तबे नहीं होती जो चीज़ ममलूक होने में असल होती है वह में भी असल होती है और किसी के ताबे नहीं होती और चूँकि सूरत मसला में माल मुस्तफाद ममलूक होने में असल है और उसके वजूद और हसूल में माल का कोई अमल दखल नहीं है बल्कि वो तो मीरास यहीबा और वसीयत के ज़रिए हासिल हुआ है इसलिए वो माल अपने हुक्म में भी असल होगा और माल निसाब के हुक्म के ताबे नहीं होगा सूरत मसला में माल मुस्तफाद ममलूक होने में असल है और उसके वजूद और हसूल में माल का कोई अमल दखल नहीं है माल मीरास मिरास में हिबा में वसीयत में मिलने वाली बकरिया माल निसाब जो पहले निसाब के बक़द्र बकरिया थी इस माल के हसूल में माल निसाब का कोई अमल दखल भी नहीं है बल्कि वो तो मीरास हिबा वसीयत के ज़रिए हासिल हुआ है इसलिए वो माल अपने हुक्म में भी असल होगा और माल निसाब के हुक्म के ताबे नहीं होगा लिहाजा ना तो उसे माल निसाब यानी असल के साथ लाहिक करेंगे और ना ही उसमें जकवात वाजिब होगी बल्कि इसमें वजूब ज़कात के लिए अलग से हौलान हौल की शर्त होगी और जब इस माल पर एक साल गुजर जाएगा तब उसमें ज़कात वाजिब होगी वल अरबाही इसके बरखिलाफ़ अगर पहली सूरत हो यानी माले मुस्तफाद के हसूल और वजूद में माल निसाब का कोई अमल दखल हो बई माना के वो बकरियों के बच्चे की सूरत में हो या उनके मुनाफे की सूरत में हो तो इस सूरत में माले मुस्तफाद को असल के साथ लाहिक करके हौलान हौल के बग़ैर इसमें भी ज़कात वाजिब करार दी जाएगी इसलिए कि इस सूरत में माल मुस्तफाद ममलूक होने में असल के ताबे है इसलिए कि इस सूरत में माले मुस्तफाद ममलूक होने में असल के ताबे होगा और जब ममलूक होने में असल के ताबे होगा तो मस्त के होने में भी उसको ताबे उसके ताबे होगा जब ममलूक होने में असल के ताबे होगा तो मस्त जकात होने में भी उस असल के ताबे होगा इसलिए असल और ताबे का हुक्म एक हुआ करता है और चूंकि असल पर जक़ात वाजिब है लिहाजा ताबे यानी माले मुस्तफ़ाद पर भी जक़ात वाजिब होगी हर चंद के उस पर ने हो ना हुआ हो वलाना हमारी दलील मुजान सता

औलाद और मुनाफे में तो इमाम अलैह भी आाले मुस्तफ़ाद को दरमियान साल हासिल होने वाले माल को निसाब के बकदर माल के साथ मिलाने और सब में जक़ात वाजिब होने के कईले और चूँकि औलाद और मुनाफ़े में माले मुस्तफ़ाद को असल के साथ मिलाने इल्लत जिनसियत है यानी इन सब का हम जिनस होना है और ये जिनसीत गैर औलाद और गैर मुनाफ़ मसला हिबाह मसलन माल हिबा और माले विरासत और माले वसीयत में भी मौजूद है इसलिए यहाँ भी माले मुस्तफाद को माले निसाब के साथ लाहिक किया जाएगा वरना तो माले मुस्तफाद और असल में इम्तियाज करना दुश्वार हो जाएगा भाई माले मुस्तफाद और निसाब के बकद माल दोनों की जिनसे एक ही है दोनों एक ही जिनस के है और जब दोनों एक ही जिनसके है तो फिर दोनों को मिलाया जाएगा और सब में जकवात वाजिब की जाएगी इसलिए माले मुस्तफ़ात को माले निसाब के साथ लाहिक किया जाएगा वरना तो मुस्तफ़ात और असल में इम्तियाज करना दुशवार हो जाएगा बही तो के एक शख्स बकरियों के निसाब का मालिक है एक शख्स बकरियों के निसाब का मालिक है फिर उसकी बकरियों ने बच्चा जाना इसके बाद उसे कुछ बकरियाँ हिबा में मिली तो अब इसके लिए माल मुस्तफाद और माले निसाब में इम्तियाज़ दुशवार होगा और फिर मुस्तफाद मिनल अलाद वरबा और मुस्तफाद मिनल हिबा वगैरह के माँ बहन भी इम्तियाज़ करना मुश्किल होगा मुस्तफ़ाद मिनल औलाद बकरियों के बच्चे हासिल हुए हैं मुस्तफाद मिनल अरबाह बेच करके कुछ नफ़़ा हासिल हुआ है मुस्तफाद मिनल हिबा मुस्तफ़ाद मिनल मुस्तफ़ाद मिनल विरासत ये सब अलग अलग किस्म हैं इनके दरमियान में इम्तियाज़ करना मुश्किल होगा और चूंकि ये इजाफ़ा और नफ़ा अलग अलग वक्तों में हासिल होगा इसलिए इन सब पर इन सब पर साल भी अलग अलग वक्त में पूरा होगा और हर माले मुस्तफाद के लिए साल का हिसाब रखना दुश्वार हो जाएगा जबकि हौलान हौल की शर्त ही आसानी और सहूलत के पेश नज़र लगाई गई है इसलिए बेहतर यही है कि अगर माले मुस्तफाद असल यानी माले निसाब की जिन्स से हो मुस्तफाद मिनल ओलाद मुस्तफाद मिनल अरबाह मुस्तफ़ाद मिनल हिबा मुस्तफ़ाद मिनल वसीया ये माल और असल माल जो पहले चालीस बकरियाँ थी बकदरी निसाब अगर इन सब की जिन्स एक है तो इसे असल के साथ लाहिक करके इसमें ज़क़़त को वाजिब और लाजिम करार दिया जाएगा अगरचे माल मुस्तफाद असल की औलाद हो या उसके मुनाफे में से अगरचे माले मुस्तफाद असल की औलाद और उसके मुनाफे में से ना हो उनमें हौलान हौल्द तो की शर्त शर्त नहीं करार दी जाएंगी और सब पर एक साथ में ज़क़़़त वाजिब होगी وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.